तो आप सामने देख सकते हैं पाइप की कटिंग हो गई है भाई, और 1 इंची की गोल पाइप काट लिए। तो इसकी लंबाई की बात करें हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आपको इंट्रो देख के पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाला हूँ, क्या चीज बनने वाली है। और अगर आपको पता नहीं चला, आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, बने रहे वीडियो के लास्ट तक, आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा कि आज क्या बनने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो सबसे पहले हम मिल सके। तो चलिए और टाइम बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आप सामने देख सकते हैं पाइप की कटिंग हो गई है, और कंप्लीट पाइप की कटिंग करके रख दी है। सब नाप और क्या क्या चाहिएगा वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कटिंग की बात कर ले, तो दो टुकड़े है, ठीक है, ए पाइप है, 1 बाय 1 इंची की गोल पाइप है, वो भी गैलोनाइज। और इसकी 20 फिट पाइप की वेट के बारे में बात की जाए तो 8.5 से 9 किलो का इसका वजन आता है, और 20 फिट इसकी लंबाई आती है, और 1 इंच इसकी ये चौड़ाई है। तो 1 इंच की पाइप बोलते हैं इसे। तो ये हमने लिए टोटल 24 फुट एक चार पाई में पाइप चाहिएगी, ठीक है, 24 फुट एक चार पाई में पाइप हमें चाहिए। तो दो हिस्से इसकी लंबाई के, चार पाई की लंबाई के लिए तो दो टुकड़े काट लिए। तो इसकी लंबाई की बात करें तो ये हमने काट लिए 66 इंच, ठीक है, 66 इंच इसकी लंबाई इस पाइप की काटी है। ये दो पाइप 60 इंच के, सॉरी 66 इंच के दो पाइप, और ये दो पाइप चौड़ाई के लिए, चार पाई की चौड़ाई के लिए ये दो पाइप। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 34 इंच, ठीक है, 34 इंच इसकी लंबाई रहेगी, लंबाई 34 के दो टुकड़े काटने हैं। और नीचे के पाए के लिए चार पाइप, चार टुकड़े नीचे पाए के लिए, तो पाए के लिए ये है 22, यानी कि 22 इंच इसकी लंबाई रहेगी ये चार टुकड़े। तो ये 22 इंच, ये 34 इंच यानी कि, और ये दो पाइप 66 इंच यानी कि 66 इंच, ठीक है। तो ये हो गई कटिंग के बाद, और कटिंग करने के बाद क्या करना है तो ये देख सकते हैं, ये कंप्लीट राउंड में है पाइप, और इसको हमने यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा चपटा कर दिया है, थोड़ी की मदद से इसको पीट के थोड़ा सा चपटा कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कट दे दिया है ताकि हम जब इसे ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ से कंप्लीट है ज्वाइंट हो जाएगा, और कहीं पे भी ऐसे गैप नहीं रहेगा। तो ऐसे कट देना है, वो किन पाइप में देना है तो वो कट किस में देने है, तो ये दो चौड़ाई वाले और ये दो लंबाई वाले पाइप में हमें ऐसे कट देने हैं, ठीक है। इसको अभी कट देने बाकी है, बाकी इसको चपटा कर दिया है। तो अब करना है इसको ज्वाइंट, तो पहले किन चीज़ों को ज्वाइंट करना है और किससे किस चीज़ से ज्वाइंट करता है वो सब देखेंगे आगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं मैंने एक इसका और ढांचा, इसका फर्मा मैंने इसका बनाया हुआ है, जिसमें हमें चार पाए की चौड़ाई वाला हिस्सा और उसके और पैर वो इसमें इसमें कट के ज्वाइंट करने हैं। तो कुछ इस टाइप से ये इधर लग जाएंगे, और फिर हम इसे जॉइंट वेल्ड कर सकते हैं, दोनों साइड पे वेल्ड हो जाएगा, एक इस साइड और एक इस साइड, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों साइड से हम पूरा का पूरा वेल्ड कर देंगे, वो हम बाहर निकाल के करेंगे, इसमें सिर्फ हमें टाँके लगाने हैं। चार पाई का चौड़ाई वाला हिस्सा जॉइंट करने के बाद अब बारी है उसके लंबाई वाला हिस्सा जॉइंट करने की, और चार पाई के चारों पैर जॉइंट कर दिए, वेल्ड कर दिए, जो कि हमने आगे पहले देखा कि इसका एक साँचा मैंने बनाया हुआ है, उसमें वो कैसे वेल्ड होता है और किस तरीके से वो बार बार मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक और ये साँचा है चार पाई का, देख सकते हैं इस टाइप से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे इसके चार छोर है, यहाँ पे जो हमने पहले वाला जो बनाया था और चार पाई का चौड़ाई वाला हिस्सा जो हमने पहले वेल्ड किया था वो वाला हिस्सा इसमें हमें पहले डाल देना रहता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये वाला पाइप है, और वो जो चार पाई वाला पाइप है वो इसमें चला जाता है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ से ये जो हमारा लंबाई वाला हिस्सा है पाइप है वो हमें इसमें इस तरीके से रख देना है, इस टाइप से इधर और इधर, तो दोनों साइड ये पाइप आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें वेल्ड कंप्लीट ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं
एक कट दे दिया है और ये भी चौड़ा कर दिया है, और यहाँ से अब ये वेल्ड हो जाएगा, चारों छोरे, चार, एक दो तीन और चार छोरे वेल्ड कर देंगे, उसके बाद बारी आएगी आगे हो जाओ। तो ये चार छोर वेल्ड करने के बाद फिर देखेंगे आगे। फिर चारों छोर को वेल्ड करके देख सकते हैं सांचे में से चार पाई को बाहर निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक वाशर है, वॉशर है जो कि चार पाई के जो चार पैर है उसके नीचे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, इस टाइप से वेल्डिंग कर देना, वेल्ड कर देना, टाँके लगा देना कुछ कुछ, और चारों पैर पे लग जाएंगे। उसके बाद इसको फिर सीधा करने का, और उसके बाद बारी आती है चार पाई को टोपी पहनाने की। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में टोपी, लोहे की टोपी है, कटोरी जैसी है। तो ये हमें इस चार पाई के ऊपरी भाग, ऊपरी हिस्से पे लगानी होती है, जो कि यहाँ पे लगती है चार पाई के पैर के ऊपर की साइड लगती है। तो चारों कोनों पे टोपी लगाने के बाद ये हो जाती है कंप्लीट। अब जैसे कस्टमर की डिमांड, उस टाइप का, उस नाप का चार पाई ऐसे हम बना सकते हैं। और एक बात, कोई कस्टमर बोलता है कि यहाँ पे पट्टी लगा दो, जिसकी वजह से हम जो भी दूरी या और कुछ लगाते हैं वो यहाँ पे घिसेगा नहीं। तो इस टाइप से यहाँ पे ये दोनों छोर ये वाला और ये वाला पाइप जमीन को ना छुए, इस टाइप से इस दोनों को इधर पट्टी हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल इसकी डिमांड नहीं है, इस वजह से अभी वीडियो में नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर कभी अगर उसकी डिमांड आएगी तो उस टाइप का बनाऊंगा, तो आपको वीडियो में दिखा दूंगा। तो इसी टाइप से आप कोई भी नाप की चारपाई बना सकते हैं। अगर ये है रेगुलर नाप की चारपाई, 5.5 बाय 3 फीट, ठीक है, 5.5 इसकी लंबाई रहेगी और 3 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी, और 2 फीट इसकी, 2 फीट पूरी नहीं है लेकिन 2 फीट बोलते हैं, 2 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी चारपाई के पैर, और टोटल 22 इंच की है चारपाई के पैर। तो इस टाइप से कोई भी नाप हो, ये रेगुलर नाप है जो कि घर वगैरह में ये चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे गांव में है तो बहुत सारे ऐसे भी फार्मर्स आते हैं जो कि बड़ी बड़ी चारपाई बनवाते हैं, तो उस टाइप से कोई भी नाप की चारपाई ऐसे हम बना सकते हैं। तो उसके लिए तो फरमानी सॉरी सांचा नहीं रहेगा, वो ऐसे ही अपने हाथ से बनाना रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।